हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है। हम जानते थे कि रूट्स का जो नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किस किस तरह का होता है, डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। हमने बात किया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर अपने पास ग्रेटर देन जीरो हो, यानी पॉजिटिव हो, तब हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। जब डी जीरो था तो हमने देखा था कि रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे। और लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट केसेस में कि भाई जब डी जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा अगर, ठीक है, डी सपोज -13 आ गया, -60 आ गया, ठीक है, तो डी की जब नेगेटिव वैल्यू यानी लेस देन जीरो आएगी, तो उस केसेस में देर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन, ठीक है। जो भी इक्वेशन होगी उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिसाइड किया था। डिस्क्रिमिनेंट, ऑब्वियसली बात है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम पहले फाइंड करते थे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अनदर वे में किस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड क्वेश्चन में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके साथ 10 क्वेश्चन साथ में लेके आया हूँ, ठीक है। यानी इस टाइप को ड्रिल करना है आपको, अच्छी से प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए और क्वेश्चंस आपको चाहिए होंगे, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। देखिए क्वेश्चन में किस तरह से बोला जाएगा, आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स से ही टॉपिक तो वही है, बट उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है और करना कैसे है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। आपको पहले से ही इसने गिवन दे दिया कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं बेटा। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ठीक है। क्योंकि इक्वल रूट केसेस कब आते थे, जब रियल एंड इक्वल, ठीक है। रियल एंड इक्वल कब होते थे, जब डी क्या होता था अपने पास, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, जीरो होता था, तभी हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे, ठीक है। तो यानी एक ही केस था अपने पास, तो इसने क्वेश्चन में पहले से ही प्रोवाइडेड किया है कि ये जो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन के पार्ट में, उन सब का रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब कभी भी आपको ऐसा दिया इक्वल रूट्स दिए हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होगा, ठीक है। और इसने हर क्वेश्चन में क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू गायब कर रखा होगा, मतलब एक कांस्टेंट की जगह पे अपने वेरिएबल डाल रखा होगा, जैसे के दे दिया, ठीक है। अब हमें मिसिंग वैल्यू जो है के की फाइंड करनी है, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में के ही हो, किसी क्वेश्चन में पी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में एम टी जो भी हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने सबको क्या है यहाँ पे के लिख दिया, तो क्वेश्चन के से आए, पी से आए, टी से, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वो तो रिप्लेस कर दोगे आप, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे के लिख दिया, यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे के लिखा है, तो इन के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो देखिए क्या फॉर्मेट है इसको करने का, सॉल्यूशन करने का, वो आज हम करते हैं, ठीक है। और इसको आप पक्का बिल्कुल है ना दिमाग में बिल्कुल डाल के जाना आज, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत ज्यादा बोर्ड में पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, वही फॉर्मेट आपको अगेन अगेन वही लाइन्स लिखनी है, ज्यादा इसमें कुछ लिखना होता नहीं है, बस स्टार्टिंग से आपको क्या लिखना है, पहले इक्वेशन लिख देंगे, कौन सी इक्वेशन है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो इसके रूट्स कैसे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। तो दिस थिंग इंप्लाइज, अगर इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये लाइन आपको जरूर लिखनी, सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो लिख रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा, समझे या नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है, तो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, ये होगा, फोर ए सी को मान ले जाएंगे। तो अब वैल्यू पुट अप कर देंगे ए बी सी की यहाँ पे और उसको सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू अपने आप आएगी, देखते हैं। बोलो बेटा बी क्या है यहाँ पे, के है ना, एक्स का कोफिशियंट क्या होता है, बी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के स्क्वायर, बी की जगह पे के स्क्वायर, तो चाहे तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू क्या है के, एंड सी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आप साइड में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर किसी को डायरेक्ट भी लिखनी है तो भी लिख सकता है। बी स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए, ए क्या है बेटा टू है, सी क्या है थ्री है, ठीक है। तो यहां से हो गया के स्क्वायर इक्वल टू फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ठीक है, के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस के साथ रूट आएगा, तो के की वैल्यू अपने पास आ गई प्लस माइनस चौबीस, को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू सिक्स, तो 4 का बार आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू रूट सिक्स, समझे, ये k की वैल्यू आ गई, मतलब k या तो टू रूट सिक्स आएगा या माइनस रूट टू, माइनस टू रूट सिक्स आएगा, तो k की दो वैल्यू आ गई ना अपने पास, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो देखिए जब जब आप k की जगह पे क्या रखोगे, टू रूट सिक्स रखोगे या माइनस टू रूट सिक्स रखोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, और रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते थे, हालांकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, के की वैल्यू फाइंड करनी थी निकाल दी, लेकिन आपको मैं फील करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप इस चीज को, कंसेप्ट को प्योरली अगर समझना चाहते हैं, तो इस के की वैल्यू जो आपके पास ये दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को आप के की जगह बारी बारी से डालेंगे तो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो दोनों को आप जब निकालेंगे दोनों का डिस्क्रिमिनेंट, तो दोनों केसेस में जीरो आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, हालांकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार हम टू रूट सिक्स डाल के देखते हैं, तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमने k के प्लेस पे क्या रख दिया, टू रूट सिक्स रख दिया, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b क्या है यहाँ पे टू रूट सिक्स, तो टू रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू, और ये हो जाएगा थ्री, तो टू रूट सिक्स का स्क्वायर क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर और इसका सिक्स, तो फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, माइनस फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर कितना आ गया, जीरो आ गया, आया ना डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया तो इक्वल रूट्स आएंगे, समझे या नहीं। इसी केसेस में अगर आप माइनस वाले में भी डालते हैं यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो भी यही आता, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये प्लस का ही हो जाएगा और 24 बन जाएगा, 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आने का मतलब है इक्वल रूट्स होना, ठीक है। हालांकि इसने क्वेश्चन में ही पहले ही बोल दिया था कि रूट्स कैसे इक्वल है, तभी हम के की वैल्यू फाइंड कर पाए, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, ताकि डिस्क्रिमिनेंट हमने जीरो रखा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी हो गया, फिर ए बी सी की वैल्यू पुट अप कर दी और जो बच गया के की वैल्यू अपने आप आ गई अपने पास सॉल्व कर दी, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, ये लाइन तो सब क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम देखिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो यहां पे अपने को ना तो ए पता चल पाएगा ना बी पता चल पाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये थ्री टर्म्स होनी चाहिए आपके पास, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो गाइड दिखाई नहीं दे रहा है,
तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको इससे किया, फिर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स, तो 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर एक्स वाली आ गई, फिर कॉन्स्टेंट आ गई। अब ए बी सी आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, के है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के, तो वन। बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस 2k, एक्स के अलावा क्या है, पूरा माइनस 2k है, और c इज इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है, सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, दिस थिंग इंप्लाइज d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac, इसको वहां ले जाएंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे ए बी सी की, तो बोलिए बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए के है, सी की वैल्यू 6 है, ठीक है। ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और इज इक्वल टू 6 4 24k, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है, हाँ 4k कॉमन है, तो 4k कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से बचा k और इधर से बचा 6, यही बचा। अब आपके पास कभी देखिए ऐसी होती थी, दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 है या ये वाला फैक्टर 0 है, तो इसके बाद में हम क्या लिखते थे, तो आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 बाई 4 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, और k इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो हमने क्या कहा था, a शुड नॉट इक्वल टू 0, a शुड नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशियंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का अगर कोफिशियंट ही 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो x स्क्वायर तो होना ही चाहिए वहां पे, तो x स्क्वायर का कोफिशियंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो x स्क्वायर का कोफिशियंट यहां था क्या, k, x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या था, k, तो k कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो लेकिन यहां से क्या आया, k 0 आया और k 6 आया, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि k 0 हो नहीं सकता, अगर k 0 हो गया ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आपको ज्यादा ही लिखना डिटेल में तो लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, एज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल जवाब अपने पास क्या है, के इज इक्वल टू 6, ठीक है, के 0 तो हो नहीं सकता लेकिन के 6 तो हो सकता है ना, तो के इक्वल टू 6 आया फाइनल जवाब, समझ में आई बात। तो यहां से अपने पास दो वैल्यू निकली थी, बट फाइनल क्या है, हमने एक चेक करके देखना था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, तो के शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक करते हैं, थोड़ा सा और फ्लो बन जाएगा, ठीक है, बाकी सारे कर देंगे इसी तरह से। क्वेश्चन है आज, आपको काम क्या करना है, ये 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन, एक कोई बीच में से कर देता हूं, बाकी आप कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई कौन सा स्टार्ट करूं, चलो मैं इधर से फोर्थ वाला उठा लेता हूं, ठीक है। फोर्थ वाला क्या बोलता है, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, k माइनस 12, इधर x का कोफिशियंट क्या है, 2 इंटू के माइनस 12, और c क्या है, ये। तो सबसे पहले आपको लिखना है तो a b c लिख सकते हैं, a क्या है अपने पास, k माइनस 12, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशियंट जो होता है वो a होता है, ये पूरा a है,
ये पूरा बी है, देखिए एक्स का कोफिशियंट, तो बी इज इक्वल टू 2 × k-12 और सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं, गिवन इक्वेशन आर इक्वल, रियल एंड इक्वल लिखो चाहे इक्वल लिखो, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे तो इसको 4ac को उधर ले जाओ, चाहे मत ले जाओ, इधर भी भर सकते हैं आप। ठीक है, बोलिए b की वैल्यू, ये इसका स्क्वायर, तो 2 × k-12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, -4 × a k-12 × c 2। ठीक है, ये हो गया और इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं इसका करते हैं, तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो अलग हो गया और इसका अलग कर दिया, फिर माइनस 4 × 8 × k-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 × 8 हो गया, k-12 एज इट इज है। अब कुछ कॉमन है इन दोनों में, कुछ कॉमन है, k-12 k-12, तो एक k-12 और 4 भी कॉमन है, देखिए इधर भी 4 है इधर भी 8 है, तो चाहे तो आप 4 से पहले डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, 4k-12 स्क्वायर -2 × k-12 = 0। आपने क्या कर दिया, 4 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो इसको 4 से 4 कटेगा 1, 4 × 2 = 8 और 0/4 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये कम हो गया, देखिए कोफिशियंट और कम हो गए, इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, इसको 4, पूरी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, और कॉमन देखिए क्या है, k-12 कॉमन है, k-12 कॉमन है, तो इसमें से क्या बचेगा, k-12 भी बचेगा, है ना, इसका स्क्वायर था तो एक बार बाहर निकाल दिया तो एक बार अंदर रह जाएगा, और यहां से बचेगा सिर्फ माइनस का 2, यही बचेगा, क्योंकि k-12 बाहर आ गया। तो देखते हैं क्या हो गया, ये k-12 × k-14, -12 - 2 - 14 हो गया इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए, दो फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो या तो k-12 = 0 या k-14 = 0, तो या तो k = 12 आ गया यहाँ से, और इधर से k = 14 आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई अपने पास, k = 12 और k = 14। ठीक है, एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी आ सकती है, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने, देखिए k की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं बार बार, डिस्क्रिमिनेंट 0, तो b² - 4ac = 0, और ए बी सी की वैल्यू पुट अप कर दो और k में इक्वेशन बन जाएगी, और लास्ट में सॉल्व करके k निकाल लो। ठीक है, एक और कर देता हूँ लास्ट, फिर आप सारे कर लेंगे। ठीक है, चौथा में कर, तीन मैंने करवा दी, एक और कर लेता हूँ, बाकी 6 आपको होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हम करते हैं, चलो कोई सा भी कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिफ्थ वन कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ क्या है, k² x² - 2 × k-1 x + 4 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, k² x² का कोफिशियंट होता है x² का कोफिशियंट a होता है, x का कोफिशियंट ये पूरा हो गया b की वैल्यू, b की वैल्यू होगी -2 × k-1 एंड c की वैल्यू है 4। ठीक है, अगेन वही चीज, सिंस क्या, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, दिस थिंग इम्प्लाइज क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac = क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो b की वैल्यू ये रही -2 × k-1 का स्क्वायर -4 × a है k² और c है 4।
इज इक्वल टू जीरो। तो दिस थिंग इंप्लाइज, देखिए माइनस टू का स्क्वायर फिर से क्या हो गया, फोर हो गया, और के माइनस वन स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग और माइनस टू का स्क्वायर अलग, फिर यहां हो गया माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फोर फोर जो 16k स्क्वायर। अब देखिए ये फिर इक्वेशन जो है फोर से डिवाइड हो जाएगी, पहले तो ये देखो फोर का टेबल में ये नंबर भी है, तो ये फोर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर फोर जो 16, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब k स्क्वायर अपने को निकालना है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो k स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या किया मैंने, ये फोर के है, फोर के स्क्वायर था ना ये, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिया, टू इंटू के इंटू वन टू के, और माइनस का फोर स्क्वायर एज इट इज। अब ये अपने पास क्या बन गया, देखिए के स्क्वायर और माइनस फोर के स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के थ्री के स्क्वायर हो गए, प्लस माइनस माइनस, और बचा माइनस टू के और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए ये फिर से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन वेरिएबल क्या है अपना, एक्स की जगह क्या है, के है, तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया था ताकि इसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए थ्री के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, तो इसको अगर हम सॉल्व करते थे, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता था, x इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या है, k है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, और क्या आएगा, माइनस बी, बी तो b क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस का थ्री और सी मतलब वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू इंटू माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री टू ए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, तो इसको देखिए माइनस माइनस ये होगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर, और माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू थ्री जा सिक्स, तो माइनस का सिक्स। ठीक है, तो ये हो गया टू प्लस माइनस, देखिए बारह और चार हो गए सोलह, तो सिक्सटीन का अंडर रूट क्या आएगा, फोर। ठीक है, सिक्सटीन का अंडर रूट फोर आ जाएगा, और डिवाइड बाई माइनस सिक्स आ जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ से दो आ गई ये। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा साफ कर दूँ इसको, आप पॉज करके नोट कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आई हैव नो स्पेस हियर। ठीक है, इसलिए मैं इसको आगे इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर अपने पास से आगे k इज इक्वल टू टू प्लस फोर डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स, और k इज इक्वल टू टू माइनस फोर डिवाइड बाई माइनस सिक्स। देखिए एक बार प्लस के साइन, एक बार माइनस का साइन, तो यहाँ से आ जाएगा टू और फोर होते हैं सिक्स डिवाइड बाई माइनस सिक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू डिवाइड बाई माइनस सिक्स, यानी सिक्स ये कट गया वन बाई थ्री। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस वन और एक आ गई वन बाई थ्री। ठीक है, तो लास्ट में देयर फॉर करके के इज इक्वल टू माइनस वन और वन बाई थ्री होल ब्रैकेट में कंप्लीट। ठीक है, बॉक्स में बना के हाईलाइट कर लिया करो अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, वन कर लिया, टू कर लिया, फोर कर लिया, फाइव कर लिया, तो बाकी आपके पास ये थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये आपको होमवर्क में है आज क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू डू दिस फॉल सिक्स क्वेश्चन इन होमवर्क। ठीक है, एक साथ आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग मैक्सिमम 99%। ठीक है, तो आज के लिए हम यही करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे और टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यू कैन लाइक एंड कमेंट। ठीक है, आपको कमेंट करें किस तरह का आपको वीडियो लगा, और क्या अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्लियरेंस कोई करना है आपको, तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, बाय।